वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं आशीष पांडे और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं यहाँ पर। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया मलेरिया कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, ये रोग कैसे होता है, निमोनिया कैसे होता है, बहुत सारी चीजें आपसे डायरेक्ट लोग पूछते रहते होंगे। और एटलीस्ट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी सारी चीजें पता रहनी चाहिए और यही सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर पर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ट्वेल्थ में होंगे, कुछ नीट दे रहे होंगे और कुछ ट्वेल्थ के बाद CUET का एग्जाम देना चाह रहे होंगे। तो सबके लिए इंफॉर्मेशन है भैया कि ये जो लेक्चर बनाए जाते हैं तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। NCERT की सारी लाइनें हम देखते हैं, टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हैं और कुछ अदर पॉइंट को भी कवर करते हैं जो अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरे लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, उसके दो रीजन है। पहला, एक्यूरेसी के चक्कर में ढेर सारी बुकें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अपना टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे मुझे खुद सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है, इस रीजन से लेट हो जाती है। लेकिन हम इस चैप्टर को पूरी 100% अपनी कोशिश करेंगे बच्चा कि आपके सामने पर डे एक टॉपिक दे दिया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपना पहला टॉपिक, मानव स्वास्थ्य को। अब अगर आप NCERT पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चा, तो जब आप पढ़ेंगे तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है, ठीक है। उनमें से कुछ बातें हैं, मतलब अगर मैं बात करता हूं पुरानी धारणा के ऊपर, ठीक, हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, अगर मैं पुरानी धारणा के ऊपर बात करता हूं तो यहां पर दो चीजें आती हैं। हिप्पोक्रेटिस तथा चिकित्सा, जो हमारा आयुर्वेदिक वाला विज्ञान था, वो कहता था कि जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते हैं उनमें गर्म दल वाला खून होता है और अक्सर उन्हीं को बुखार होता है। सर, ये जो ब्लैक बाइल होता है ये क्या होता है, ये तो NCERT पर नहीं दे रखा। कोई बात नहीं बच्चा, मैंने तो लिख दिया ना यहाँ पर। जो ब्लैक बाइल होता है वो गुर्दे और प्लीहा से स्रावित होने वाला एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है बच्चा, और ये जितना ज्यादा होगा, पहले के लोग मानते थे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम बीमार हो सकते हो, जो कि पूरी तरीके से गलत बात थी। एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे, विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे का नाम आपने कहीं सुना है क्या बच्चा, क्लास 11th में आपने सुना है। इस चीज को मैं बता देता हूं और आप कमेंट करके ये बताएं कि कौन से चैप्टर में सुना है, एटलीस्ट चैप्टर बता दीजिए, या तो किस पक्ष पर आपने सुना है इस चीज को बता दीजिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिए, बहुत जरूरी है आपकी कमेंट, कमेंट करिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिसने भी विलियम हार्वे का नाम सुना है वो कमेंट करे, मैं बताने जा रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि विलियम हार्वे ने क्या किया था या आपने कहां पर नाम इसका सुना होगा, ठीक है, कमेंट कर दिया। चलो अब देखिए मैं बताता हूं, क्लास 11th में हमारा चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, जिसे मैंने टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ा रखा है। वहां पर विलियम हार्वे का नाम आता है हार्ट और ब्लड के रिलेशन में, ठीक है, मतलब हार्ट में और ब्लड में दोनों में नाम आता है विलियम हार्वे का। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। तो विलियम हार्वे ने क्या किया, बहुत सारी धारणाएं दी और कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए इस बात को समझा दिया कि भैया ये जो बात आप कह रहे हैं ब्लैक बाइल वाली बात, वो पूरी तरीके से गलत है। ये किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। और ये धीरे धीरे आगे जाकर जब हमारी साइंस बढ़ने लगी तो ये बात स्पष्ट हो गई भैया कि जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं वो कौन से तंत्र के जरिए होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के जरिए होती हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या आता है, तंत्रिका तंत्र हो गया और कौन सा हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, ये आ जाते हैं प्रतिरक्षा तंत्र में। इन्हीं के जरिए हमारी बीमारियां होती हैं। डिटेल में सारी चीजें देखेंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को, सभी को आ गई, किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मानव स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो आनुवांशिक बीमारियां हो गई, कुछ संक्रमण हो गए और कुछ हमारी जीवन शैलियां हो गई। अगर मैं आनुवांशिक बीमारी की बात करता हूं तो कौन कौन सी हो सकती है, जेनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, वर्णांधता हो गई, हीमोफीलिया हो गई, सिंड्रोम वगैरह हो जाते हैं, ये सब अनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं। अनुवांशिक बीमारियां किससे होती है भैया, हमारे डीन में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है, जीन में कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो कि हमारे लिए खराब है, ये सब बीमारियां होती है, ठीक है। ये अनुवांशिक बीमारी हो गई जो कि आपके माता पिता से मिली हुई है, किससे, मदर एंड फादर, जिसे हमको जो बीमारियां मिलती हैं उसको हम अनुवांशिक बीमारियां बोलते हैं। बच्चा समझ में आया क्या। चलो, असंक्रमण बीमारियां किसको बोलते हैं, तो जो आप उधर की चीजें खाते रहते हैं, गंदी चीजों को छूते रहते हैं, इससे जो आपको बीमारियां होती हैं वो सब संक्रमण बीमारियां होती हैं, मतलब इसके जरिए बैक्टीरिया वायरसेस आपके अंदर घुस जाते हैं और ये संक्रमण बीमारियां कर देते हैं, ये बात समझ में आ गई। और जीवन शैली तो आपको पता है, कैसा आप खा रहे हैं, क्या आप व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें भैया हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें जीवन शैली में आ जाती है, ठीक है। सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना पीना, सारी चीजें किस पर आ जाती हैं,
जीवन शैली पर आ जाती है। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं भैया मानव स्वास्थ्य को परिभाषित करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ये आपके 12th में डायरेक्ट आया हुआ है और नीट में भी एक बार पूछा गया। सर नीट में इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो नीट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आसान नहीं है बच्चा, पहले इस चीज को समझो फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं मानव स्वास्थ्य की बात करता हूं तो वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई रोग नहीं है, कोई दिख नहीं रहा रोग तो मैं स्वस्थ हूं। जब मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सारे रूपों से मैं स्वस्थ रहूंगा तभी मुझको एक हेल्दी मैन माना जाएगा। और नीट ने ऑप्शन दिए थे ए बी सी या और, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हम शारीरिक मानसिक और सामाजिक जब तीनों रूप से शुद्ध होंगे मतलब हम स्वस्थ होंगे तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी वेल एंड हेल्दी आदमी है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की तो आपको अच्छा आहार लेना पड़ेगा, व्यक्तिगत में स्वच्छता रखनी पड़ेगी और नियमित व्यायाम वगैरह करने पड़ेंगे तभी आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब हम बात करने वाले कुछ टर्म की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरे इस चैप्टर में, पूरे के पूरे इस चैप्टर में ये टर्म आपको इधर उधर घूमते फिरेंगे। अगर आपने यहां पर समझ लिया तो काफी हेल्प हो जाने वाली है। 3-4 टर्म है आपके, टोटल 5 दिख रहे हैं, यहां पर 5 हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो कहीं पर कोई भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं प्रतिरक्षा की तो प्रतिरक्षा क्या होता है बच्चा? प्रतिरक्षा है आपका डिफेंस सिस्टम। आपके अंदर पूरी की पूरी सेना, बॉडी मतलब बॉडी बिल्डर लोग तैयार है जो कि आपके वायरस को बैक्टीरिया को मारने के काम में आते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया गया तो भाई बॉडी बिल्डर आदमी वहां पे खड़ा हुआ थराम से मार देगा उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र पूरा डिफेंस सिस्टम है हमारा, मतलब पूरे जो जेट सिक्योरिटी हमारी बॉडी को देता है हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा देता है। अब प्रतिरक्षा क्या करती है, अन्य सभी जितने भी रोग होते हैं छोटे मोटे रोग जो हो गए, पहले जिस भी रोग को हमारे अंदर हावी होना है, अगर बुखार मेरे अंदर आया, अगर डेंगू मेरे अंदर हुआ, मलेरिया मुझको हुआ, तो यानी मेरे डिफेंस सिस्टम मतलब मेरी जेट सिक्योरिटी जो अंदर तैयार है उसको पहले हराया होगा इस चीज में, ठीक है। ये कहता है पहले मुझको मारो फिर जाकर तुम हावी हो सकते हो, और ये लास्ट टाइम तक लड़ने की कोशिश करता है। और जितनी भी दवाइयां आपकी काम करती हैं सब इसी पर काम करती हैं। दवाइयां डायरेक्ट नहीं फायदा करती हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं ताकि आप लड़ सके। डेंगू वगैरह में क्या करते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि आप लड़ सके, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे एक वही बात हो गई कि आपके पास जेट सिक्योरिटी है लेकिन अब भाई लोग मर गए हैं तो आपको बाहर से प्राइवेट आदमी को रखना पड़ेगा, तो आप प्राइवेट के रूप में एंटीबायोटिक वगैरह लेते रहते हैं, तो जिससे आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चा, सभी को आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है सर एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन बच्चा वही है जिनके खिलाफ हमारी जेट सिक्योरिटी तैयार है, मतलब वो क्या करते हैं, एंटीजन क्या हो सकता है, एंटीजन बैक्टीरिया हो सकता है, एंटीजन वायरस हो सकता है। ये क्या करता है, जब ये अंदर आता है एंटीजन हम उसको कहते हैं जो एंटीबॉडी को एक्टिव कर दे। क्या कर दे बच्चा, एंटीबॉडी को एक्टिव कर दे। सर एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी वही जेट सिक्योरिटी जो बॉडी गार्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडी बना देते हैं और जिसके प्रति एंटीबॉडी होगी, जिसके प्रति एंटीबॉडी होगी वो अंदर नहीं जा सकता है। सर डेंगू और मलेरिया कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी जो मतलब मैकेनिज्म है उसको बदल देते हैं, और जिसके कारण एंटीबॉडी तो बन जाती है लेकिन पहचान नहीं पाते जिसके कारण ये हो जाते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अब एक मैं बात बताता हूँ, जैसे बहुत अमीर लड़के होंगे तो धूल वगैरह नहीं खेलते, तो उनको धूल से बड़ी एलर्जी होती है। जैसे वो धूल के संपर्क में आते हैं पूरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, लेकिन हमें नहीं होता भाई, धूल में लुटा दो तो पूरे नाले में घुस जाओ तो कुछ नहीं होगा। तो ये क्यों होता बच्चा, पता है हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, उनके अंदर एंटीबॉडी इसके प्रति नहीं बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एंटी सीरम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी सीरम सर क्या होता है, तो एंटी सीरम बच्चा ये होता है, सपोज दैट अब मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूं, ठीक है। अगर एक घोड़ा है, मैं किसकी बात करता हूं, एक घोड़े की बात करता हूं बच्चा, घोड़े के अंदर सांप के प्रति एंटीबॉडी होती है। अगर घोड़े को सांप काटेगा तो घोड़वा नहीं मरेगा, लेकिन अगर तन्ने को काटेगा ना तो तू टपक जाएगा रे बच्चा।
लेकिन अगर घोड़े के अंदर ऐसा क्या है जो सांप काटने पर भी ये जीवित रहता है और तुम मर जाते हो? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके जहर, सांप के जहर के प्रति क्या है? एंटीबॉडी है बच्चा, मेरे बच्चे समझ इस बात को। यहां पर क्या है? एंटीबॉडी बनी हुई है, और अगर एंटीबॉडी बनी हुई है तो सांप का जहर इस पर असर ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जड़ सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत है। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, सांप से कटवाऊं घोड़े को, और जिस समय एंटीबॉडी बने उसी एंटीबॉडी को मैं निकाल लूं, और उस एंटीबॉडी का यूज करूं किसके लिए? अपने लिए। जब मुझको सांप काट ले तो उसी एंटीबॉडी को अपने अंदर डाल दूं तो मैं भी बच सकता हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हैं। जब भी सांप वगैरह काट लेता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन्हीं कुछ जंतु जो डिफेंस रखते हैं किसके प्रति? सांप के प्रति। उनके पहले से ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर डाल दिए जाते हैं। बतिया समझ में आ गई क्या? सभी को आ गई? सर आ गई, बहुत सिंपल था ये तो, समझ में आया, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है फिर। अब अगर हम बात करते हैं वेनम की, तो ये क्या है? एक प्रकार का विषैला पदार्थ। अब जैसे सांप है भैया, तो सांप जो जहर को निकालता है वो क्या हो गया? विषैला पदार्थ। हम इसको कह देते हैं पॉइजन। पॉइजन मतलब क्या होता है भाई? विष। तो वेनम हम क्या कहते हैं? जीवों द्वारा जो प्राप्त विष होता है, जैसे कोबरा सांप है। अब कोबरा सांप से तुमने क्या निकाला भैया? उसका विष निकाल दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वेनम। ये सारी चीजें आपको समझ में आई क्या? आ गई, बहुत अच्छी तरीके से आ गई। सर कहीं पर किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं है तो आप कमेंट करिए, बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।